नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ उसका नाम है पोस्तो इलिश। पोस्तो को हिंदी में खसखस कहा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हिलशा फिश को पोस्तो के साथ में किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पहले खसखस को अच्छे से एक पाउडर बना लिया है, नहीं तो ये मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, इसलिए मैंने पहले ड्राई इसको पीस लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं उसमें थोड़ा सा पानी अब ऐड करके अब मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। इससे मिक्सर ग्राइंडर में खसखस जो है वो अच्छे से पेस्ट बन जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने इसमें कलौंजी जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए कलौंजी, उसके बाद मैंने जो खसखस का एक पेस्ट तैयार किया है मैं अब उसको ऐड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल सा एक रेसिपी है, बहुत ही कम मसाले के साथ रेसिपी है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये खाने में। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसको 2 मिनट के लिए हम खसखस को बिल्कुल लो फ्लेम करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसे भून लेंगे। उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम थोड़ा इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करते रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में इसे करना है। 2 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी और बिल्कुल हाफ टी स्पून जो है हल्दी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। करके अब मैं फिर से 1 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही, इस रेसिपी को एकदम लो फ्लेम में बनाइएगा। लो फ्लेम में इसको मैं थोड़ा सा चला लूंगी। ये जो रेसिपी है इजी तो है ही, लेकिन बहुत ही जल्दी भी बन जाता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनता है और बहुत ही फटाफट ये बन जाता है। अब मैं ये 1 मिनट के लिए मैंने मसाले को थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि इसका ग्रेवी जो है वो बहुत ज्यादा पतला नहीं बनता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ग्रेवी, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी। करने के बाद मैंने जिसमें मैंने खसखस को पेस्ट किया था उसमें थोड़ा सा खसखस था, उसी में मैंने पानी डाल के वही पानी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ही पानी, जैसे ही थोड़ा सा ये उबल जाए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है ये उबल चुका है। अब मैं इसमें फिश जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे थे वो फिश में इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। इस समय मैंने फ्लेम को मीडियम देके रखा हुआ है। अब फिश देने के बाद मैं एकदम फ्लेम को लो करके इसे मैं ढक दूंगी। करीबन 7 से 8 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में ढक देना है, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी ये रेसिपी पूरे डिटेल्स में पढ़ने के लिए मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ये देखिए फिश जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए, और इसे आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आज की ये रेसिपी बस यही तक। नमस्ते।